सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि देर शाम मंगलोर थाना क्षेत्र से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक 5 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही थाना क्षेत्र में पुलिस टीमों को संघनन चेकिंग के आदेश दिए गए थे। चेकिंग के दौरान खतरे बिष्ट महिला अधिकारी और प्रवीण कुमार सिपाही को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोनाली पुल के नीचे एक बच्ची से मारपीट व बलात्कार की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि आरोपी बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को देख आरोपी ने बच्ची को वहीं छोड़ भागने की कोशिश भी की, जिसमें वो नाकाम रहा। एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने महिला पुलिस अधिकारी खत्री बिष्ट और सिपाही प्रवीण कुमार को शाबाशी देते हुए कहा कि इन दोनों ने समय पर घटना स्थल पर पहुंच एक बड़ी घटना होने से बचा ली। क्राइम स्टोरी के लिए नसीम मलिक की रिपोर्ट। मंगलोर कस्बे से एक बच्ची का अपहरण वही पठानपुरा मंगलोर के रहने वाले एक लड़के ने किया। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि ये लड़का कौन है, लेकिन इतनी जानकारी हो गई कि कोई बाइक पर बैठा के उस बच्ची को लेके गया है। पुलिस द्वारा खोजबीन की गई। लगभग 8:30 बजे के करीब चौकी इंचार्ज सोतबीन और प्रवीण कुमार कांस्टेबल, इनको सूचना आई कि सोनाली पुल के पास पार्क में कोई आदमी एक बच्ची को लेके जा रहा है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर में ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और घेर कर प्रवीण कुमार कांस्टेबल और खस्टी पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और बच्ची को सुरक्षित किया। ये बड़ा सराहनीय कार्य चौकी इंचार्ज और प्रवीण कुमार के द्वारा किया गया है। एडीजी महोदय की तरफ से इनाम की घोषणा की गई है इसमें।